Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, who want to connect with you? Who want to talk to you? Who want to connect with you? कौन आपसे बात करना चाहता है? कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है? कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस हो सकती है, टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है? रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है? जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे मैंने एक फर्स्ट रीडिंग अपलोड करी है स्कॉर्पियो साइन की, ठीक है? आप लोग जो भी स्कॉर्पियो हैं, सन मून वीनस राइजिंग से, तो वहाँ पे स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके पर्सन से रिलेटेड, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन से रिलेटेड मैंने फर्स्ट रीडिंग वाले चैनल पर अपलोड करी। डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से एक चैनल बनाया है, वहाँ पे शॉर्ट्स भी हैं। शॉर्ट रीडिंग्स एक जनरल रीडिंग होती है, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट, मतलब कि इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं। लॉन्ग रीडिंग्स में वहाँ पे मैंने एक स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग अपलोड करी, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट्स देखने में, डेली बेसिस के न्यू शॉर्ट्स, तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग जोडियक साइन पर रीडिंग देखना चाहते हैं, अभी मैंने आप लोग के रिस्पॉन्स देख कर फिर मैंने जोडियक साइन पर वहाँ पर रीडिंग डालना स्टार्ट करनी है, अदरवाइज मैं उसको शॉर्ट का ही रखूंगी, ठीक है? अगर आप लोग सिर्फ मतलब कि अपने शॉर्ट्स रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप उसी को देखें, और अगर आप लोग को वहाँ पर डिमांड होगी जोडियक साइन पर रीडिंग की, तो फिर मैं जोडियक साइन के हवाले से भी वहाँ पर रीडिंग अपलोड करूंगी। फर्स्ट रीडिंग अपलोड हो चुकी है आज सुबह, ठीक है? स्कॉर्पियो साइन की मैंने फर्स्ट रीडिंग अपलोड करी, आपके पर्सन से रिलेटेड वहाँ पर आपको डिटेल मिलेंगी, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, लिंक मिलेगा आपको कॉमेंट बॉक्स में, मैं पिन कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, के हु वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, हु वॉन्ट टू टॉक टू यू, ठीक है? देखते हैं कौन आपसे बात करना चाह रहा है, कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है और बात करना चाह रहा है। लेट्स सी, वो चैनल मैं सोची हूँ जोडियक साइन और शॉर्ट कंटेंट के लिए मैं रखूँ, लेकिन अगर वहां पर आप लोग कहेंगे कि खाली शॉर्ट्स अपलोड करें तो मैं खाली शॉर्ट्स अपलोड करूंगी। अगर आप लोग कहेंगे कि मैम जोडियक साइन की रीडिंग अपलोड कर दें, जोडियक साइन की रीडिंग भी छोटी बना रही हूँ, वहां पे बहुत लॉन्ग रीडिंग्स नहीं है, ठीक है? एक डिटेल रीडिंग नहीं है, थोड़ी रीडिंग है, 10 मिनट्स की होगी, ठीक है? और शॉर्ट्स तो आपको 58-59 सेकंड का एक शॉर्ट मिल जाएगा। आप बिजी टाइम में हैं, आपका वर्क है, ऑफिस है, काम है, ठीक है? आप उसके बीच में भी उसको देख सकते हैं। मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, डेली बेसिस के टॉपिक्स होते हैं, जो डेली बेसिस पे वहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड होते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट रीडिंग्स और जोडियक साइन की रीडिंग देखने में, आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है? ओके, हु वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, कौन मेरे व्यूवर से कनेक्ट होना चाहता है इस वक्त, आपसे इस वक्त राइट नाउ कौन कनेक्ट होना चाहता है, हु वांट टू कनेक्ट विद यू। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, मेरे व्यूवर से इस वक्त राइट नाउ कौन कनेक्ट होना चाहता है? विच ये पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, ये पर्सन होपलेस है, इमोशनली पर्सन होपलेस हो चुका है, इसको लव मिल सकता है या इसको प्यार मिल सकता है, इसको होप नजर नहीं आ रही अपनी लाइफ में, ठीक है? होपलेस है ये, इमोशनली डिस्टर्ब है ये पर्सन, ये अपनी लव लाइफ से इमोशनल जस्टिस चाहता है, ये पर्सन पीस चाह रहा है अपनी लाइफ में, मेंटल पीस चाह रहा है, मेंटल पीस चूज कर रहा है, अपने आप को चूज कर रहा है, ये बहुत इमोशनल पर्सन है, इसके लिए फैमिली, घर और सिबलिंग्स और अपने अपनी अपनी जैसे कि अपना पार्टनर, बहुत इमोशनल इंसान है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन इमोशनली इस पर्सन को कभी जस्टिस मिला नहीं है, ये अपने मेंटल पीस को चूज कर रहा है, ये अपनी लाइफ में पीस चूज करना चाहता है इस वक्त, लेकिन होपलेस नजर आ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है लव यहाँ पर, ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? इस पर्सन को क्योंकि जस्टिस नहीं मिला है, कभी भी जो इसने दिया है इसको वो रिटर्न में नहीं मिला है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस लिब्रा हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर जेमिनाई हो सकता है और एक्यूरस हो सकता है स्ट्रांगली यहाँ पर, ठीक है? ये पर्सन पाइसिस भी हो सकता है स्ट्रांगली, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को जैसे होपलेस हो चुका है, इसको लगता है लव नहीं मिलेगा, अब लव नहीं मिल पाएगा, अब लव आ नहीं पाएगा इस पर्सन की लाइफ में, ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरीके की होप है। लेकिन ये एक इमोशनल पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली बनाना इंपॉर्टेंट है, ये एक इमोशनल बॉन्ड को पसंद करता है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, ये पर्सन अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, मैं आपको ये बता दूं, एक मैनिफेस्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है, मैरिज कमिटमेंट इस वक्त मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा होपलेस है, प्रेयर करना, विश करना, जैसे कि डिवाइन से कुछ डिमांड करना, डिवाइन से विश करना, एक डिवाइन से चाह रहा है कि इसकी लाइफ में सक्सेसफुल कनेक्शन हो, स्टेबिलिटी हो, लव हो, केयर हो, इमोशनल पार्टनर,
ये पर्सन अपने लव लाइफ में इमोशंस को मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन सक्सेस चाहता है, मैरिज चाहता है, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है या जो आपकी लाइफ में कनेक्ट होने वाला है, ये पर्सन मैरिज को मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है राइट नाउ, ठीक है, अपनी जिंदगी में। पर्सनैलिटी इस पर्सन की अच्छी हो सकती है, लेकिन शायद ये आपको अपना इमोशनली ये पर्सन कितना डिस्टर्ब है, कितना सैड है या कितना होपलेस हो चुका है ये ना दिखाए, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाए, ये पर्सन एरीज भी हो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस एनर्जी, लेकिन अंदर से टूटा हुआ, अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब हुआ हुआ, अंदर से एक जैसे कि चोट खाया हुआ इंसान जो दो राय में खड़ा हुआ है, कुछ डिसाइड करना चाहता है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। इस पर्सन को इमोशंस की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जो पर्सन आपसे कनेक्ट होने जा रहा है या जिसकी तरफ आप कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, शायद ऐसा कोई क्रश है या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, मैस्मराइज करने वाली, लेकिन आपको लगेगा बात नहीं करता बहुत ज़्यादा, ओपन अप नहीं हो रहा, अपने आप को पीछे रख कर बैठा हुआ है, थोड़ा सा पावर में है ये पर्सन, टूटा हुआ है, ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है मैरिज। इस पर्सन को रिलेशनशिप में बैक स्टेपिंग मिली है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी मिली है, हर्ट मिला है, पेन मिला है, ठीक है। अपनी लाइफ में ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुए, इंटरनेट के थ्रू बात करें आप, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कोल्ड ही रहेगा, क्योंकि इसने जब जब अपने आप को ओपन अप कराया, जब जब इसने डिसीजन मेकिंग की है किसी के साथ, किसी ने इसको यूज़ ही किया है, तो ये आपको बहुत है एक डैशिंग पर्सनालिटी, मेल है या फीमेल है, काफ़ी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो आपको दिखेगा, लेकिन इमोशनली ये पर्सन एक इसका इनर सेल्फ डिस्टर्ब है, अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से बिखरा हुआ है, अंदर से जैसे कि पेन इसके अंदर, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, ये किंग ऑफ फैंस यहाँ पर आप के साथ डिस्टेंस पे हो सकता है, ठीक है। आप लोग के इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बन सकता है इस पर्सन का, किंग ऑफ फैंस का, सिंगल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, कैरियर पे वर्क कर रहा होगा, कैरियर ओरिएंटेड होगा, लेकिन ये अपनी लाइफ में स्टक होगा, ठीक है, ये अपनी जिंदगी में स्टक होगा, अपनी जिंदगी में हैंग होगा, एक मतलब के 9 to 5 वाली रूटीन ये निभा रहा होगा, एक 9 to 5 वाली रूटीन में होगा, इसको ऐसा लग रहा होगा कि जिंदगी एक ही तरह से चल रही है, हर दिन एक जैसा होता है और एक ही जैसी रूटीन है। लव लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन बैक स्टेपिंग, नेगेटिविटी, हमेशा धोखा खाया है। इंडिपेंडेंट होगा, अगर खास तौर पे मेल होगा तो कोई कैरियर अच्छा होगा या बहुत अपने कैरियर पे वर्क कर रहा होगा, इंडिपेंडेंट एनर्जी होगी, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग की भी डिस्टेंस हो सकता है, शायद ये थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग करने में आपके साथ टाइम ले, क्योंकि इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस बैड एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत बैड इसने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है, डैमेज देखा है। ओके, हु वॉन्ट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाह रहा है, हु वॉन्ट टू टॉक टू यू भाई। ये पर्सन एक्यूरियस हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है, ये पर्सन हील होना चाहता है, ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहता है, ये पर्सन एक्यूरियस साइन हो सकता है, डिस्टेंस पे बात हो सकती है आप दोनों की, डिस्टेंस से इंटरनेट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आप लोग के बीच इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ ऐसा है, ये पर्सन हीलिंग चाह रहा है अपनी, ठीक है, हीलिंग एनर्जी। ये मेरी कौन मेरे व्यूवर से बात करना चाहता है, इस पर्सन को हीलिंग की नीड है और ये आपको भी आके हील करेगा, बहुत इमोशनल पर्सन है, ये बैलेंस करेगा और हील करेगा, ठीक है। पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप इसकी पर्सनैलिटी एक अच्छी, एक शाइन, एक ब्राइट पर्सनैलिटी हो सकती है इस पर्सन की। क्लैरिफाई द स्टार, ये मैंने कहा ना आपको, यहाँ पर स्टार की एनर्जी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, हीलिंग यहाँ पर आप दोनों को मिलेगी, इस पर्सन से भी और आपको भी मिल सकती है, स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन स्ट्रांगली, ठीक है, लेकिन मतलब डाउट्स, ये पर्सन हील करना चाहता है अपनी लव लाइफ को, ठीक है, लेकिन डाउट्स के साथ है, बहुत कंफ्यूजन के साथ है, इल्यूजन के साथ है, कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर, कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने इमोशन एक्सप्लेन करने को लेकर, अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाने को लेकर, क्योंकि जहाँ जहाँ इसने एक्सप्रेसिव बना है, जहाँ जहाँ इसने अपने आप को अपनी अपने इमोशंस को बताया, ये आपका सोलमेट हो सकता है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है ये आपकी लाइफ में जो अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे यहाँ पर आपके सोलमेट की जैसे कि एंट्री नज़र आ रही है, डबल कन्फर्मेशन है यहाँ पर, सडन आप लोग की बातचीत हो सकती है, वर्क आप लोग शायद मिलने के बाद एक साथ कोई काम कर सकते हैं, कोई वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई वर्क एरिया पे भी मिल सकता है, बैंक वगैरह में भी कोई ये पर्सन मिल सकता है या वर्क एरिया पे भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसका जो इस डाउट्स रहेंगे इसको, ठीक है, आपके ऊपर ऐसा हो सकता है इसको आपको लगे कि यकीन नहीं कर रहा, ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहा आपके ऊपर, डाउट्स वाली एनर्जी, डाउट्स यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगे कि
यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये पर्सन यकीन नहीं कर रहा है, आप लोग का रिश्ता कहीं ना कहीं आप लोग लैक मतलब कि एक कॉन्फिडेंस आप लोग का बन नहीं पाएगा, खास तौर पे आपके पार्टनर का ये कॉन्फिडेंस लूज करता हुआ नजर आ रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करने को लेकर। ये चाहेगा आपके साथ टू ऑफ कप्स लेकिन बहुत फूक फूक कर कदम रखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, आपकी आपके बारे में जानेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन जानेगा, लेकिन आपको खुलकर नहीं बताएगा इसका इंटेंशन क्या है, आपसे मिलने का या आपके साथ कनेक्ट होने का या आपके साथ मैरिज चाहेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ ये पर्सन थोड़ा सा सीक्रेसी रखेगा, ठीक है आपसे। हेरोफेंट, इस पर्सन का माइंड होगा मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, विजडम ओरिएंटेड है, बहुत विजडम है इसके अंदर, इसको इंटेलिजेंट लोग पसंद है, खुद इंटेलिजेंट पर्सन है, काफ़ी मतलब के नॉलेजेबल है, या तो इसकी एजुकेशन आपसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है डिग्री वाइज, ठीक है, इसके पास डिग्रीज हो सकती हैं, ये एक एजुकेटेड किसी टीचर हो सकता है, कोई लेक्चरर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, इस पर्सन की रिस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल पर्सन, कोई ये चीज़ बिला वजह ना करना, कोई चीज़ किसी का हो, किसी को हर्ट ना करना, किसी को पेन ना देना, जो ऐसे वादे कभी नहीं करता जो वादे निभा ना पाए, ये वो वाली एनर्जी में, ठीक है, ओके। क्लैरिफाई हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई हेरोफेंट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ वैंड्स, कूल, ठीक है, ये वुंडेड है, ठीक है, ये अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट जरूर करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, जो पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है, जो आपसे बात करेगा या जिससे आपकी बात हो रही है, जिसको आप क्रश की तरह देख रहे हैं, जो ओपन अप नहीं हो रहा, उसके पास वुंड है, उसको एक मतलब के इमोशनल लॉस वाली एनर्जी है, होपलेस है इमोशनल लाइफ को लेकर, वुंडेड है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, ठीक है, अपने विजडम और अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से, एक पेज की एनर्जी में कनेक्ट हो सकता है, पेजेस की एनर्जी में कि कम्युनिकेशन आप लोग की स्टार्ट हो, ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा ही रिश्ता स्लोली बट श्योरली एक अच्छा रिश्ता बना सकता है, क्योंकि आपके पर्सन का इंटेंशन यही है, ठीक है, कि एक स्टेबिलिटी मैरिज, स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल पर्सन, मतलब कि बैलेंस पर्सन, लॉयल ऑनेस्ट पर्सन, अगर आप लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे ये आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करेगा, मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, ये आपके साथ एक फ्यूचर को प्लान करना चाहेगा, फिर वन वीक में अगर कम्युनिकेशन नहीं है, नहीं हुई है अब तक इस पर्सन से जो आपकी तरफ आ रहा है, वन वीक में बात हो सकती है आप लोग की, या आप लोग की बातें चल रही हैं तो वन वीक में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आप लोग की हो सकती है, वन वीक में, ठीक है, वन वीक के अंदर अंदर आप लोग के बीच एक अच्छी बैलेंस कम्युनिकेशन हो सकती है, शायद ऐसा ऐसा ही पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करे, ठीक है, एकदम ट्रस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर, जब मुकम्मल ट्रस्ट हो जाएगा तो आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए प्रपोज करेगा, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म सोचेगा, हाँ स्टैगनेंट रहेगी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि जो कन्फ्यूजन एंड करने के लिए, स्टैगनेंट एनर्जी एंड करने के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ ओवर थिंकिंग को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, जो स्टैगनेंट एनर्जी, जो कन्फ्यूजन है उसको खत्म करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग को एंड करना पड़ेगा, ये पर्सन ओवर थिंकिंग करने वाला बहुत है, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल, फिर टेन ऑफ पेंटिकल, जिस टाइम ये पर्सन आपको लेकर क्लियर हो गया, इसने डिसाइड कर लिया कि आप भी एक इमोशनल पर्सन है, टेन ऑफ कप्स, ठीक है, ये अपने लव, अपनी लव लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट के लिए रेडी है, ये अपनी जिंदगी में मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा पर्सन चाहिए जिसको ये कमिटमेंट और मैरिज दे सके, यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस और यहाँ पे किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन एक सोल मेट, एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन हो सकता है जिसके साथ आप कनेक्ट हो, जिस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बने, ठीक है, एक सोल मेट, एक सोल बॉन्ड वाला कनेक्शन बन सकता है इस पर्सन के साथ आपका, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही पर्सन थोड़ा सा ओवर थिंकर हो सकता है, ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना, कभी डिस्टेंस पे चले जाना, कभी साइलेंट हो जाना, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आपको लेकर कंफ्यूज है, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत जल्दी एंड हो जाएगी, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन रख कर भी ला रहा है तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, जब जब आपको देखेगा ना, इसके गार्ड्स डाउन होंगे, गार्ड्स अप रहने वाले, थोड़ा सा वुंडेड है ये, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि कौन किस मूड में होता है, कौन आपका फायदा उठाना चाहता है, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपका वेल विशर है, इस चीज पे डाउट करने वाली एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है, डाउट करना, इस चीज को ओवर थिंकिंग करते हुए सोचना, ओके, यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंट्स, एस ऑफ पेंटिकल, डेथ एंड रीबर्थ, एंड भाई ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी देगा, जब आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा कंप्लीटली तो ये आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहेगा, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहेगा, आपको कमिटमेंट देना चाहेगा, आपको एस ऑफ कप की एनर्जी दोबारा है, आपको कमिटमेंट मैरिज, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ये सोचे आपको लेकर, ओवर थिंकिंग करें, मैं वही बात कह रही हूँ, क्योंकि अपने इमोशनली ओपन अप होने से पहले इस पर्सन की ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है,
क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि सोचना जरूरी है, टीम वर्क करने से पहले या कोलेबरेट करने से पहले, आपको कुछ ऑफर करने से पहले इस पर्सन की ओवर थिंकिंग रह सकती है, लेकिन उसके बाद ये पर्सन आपके साथ फिर ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और चाहेगा कि आप भी इसके ऊपर ट्रस्ट करें, आप दोनों के बीच रिश्ता अच्छा हो। देखिए टेन ऑफ कप्स, ये बैकग्राउंड में इसका ड्रीम टेन ऑफ कप्स है, ये सोचकर आएगा टेन ऑफ कप्स सक्सेस। देखिए यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यहाँ पे भी सिक्स ऑफ वैंड्स, ये चाहेगा मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। जब आप इसको आपके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट हो जाएगा या आप लोग का बॉन्ड मजबूत हो जाएगा या जो भी इसको चीजों पता करनी होगी आपको बताएगा, जब फिर ये आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट, ऐसा हो सकता है होल्ड बैक करे कुछ चीजें आपसे छुपाए, ये सारी बातें आपको ना बताए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक होल्ड बैक करने वाली एनर्जी आपको लगे कि मैम ये होल्ड बैक करता है, हो सकता है होल्ड बैक करे, कहाँ से आया है, पास अपनी पास सिचुएशन से रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ हाइड करे, कुछ ना कुछ आपसे छुपाए, पास्ट के बारे में आपसे इतनी डिस्कशन ना करे ये पर्सन, मे बी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन इसका इसके माइंड में है मैरिज कमिटमेंट, एक मिंगल होना, इंटरनेट के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे या इंटरनेट की वजह से यहाँ पर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और आप लोग एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाएंगे, मतलब कि एक सेम पेज पे आप लोग बहुत जल्द आएंगे। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टाइम, ये पर्सन टाइम नहीं लेगा, लेकिन जिस टाइम ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेगा, जिस टाइम इसका इसका माइंड आपको कहेगा कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए राइट है, ये उस टाइम आपके लिए एक्शन लेगा। स्टार्टिंग में पेजेस के एक्शन हो सकते हैं, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, लेकिन इसको सोल बॉन्ड चाहिए, इसको सोल कनेक्शन चाहिए, इसको वो कनेक्शन चाहिए जिसमें इसको एक इनर हैप्पीनेस मिले, इसको इनर पीस मिले, इसको इनर सेटिस्फेक्शन मिले, ये वहाँ पर एक्शन लेगा, ये वहाँ पर ऑफर करेगा, इसको एक फ्रेंडशिप प्लस पार्टनर, ठीक है, एक फ्रेंड प्लस पार्टनर, ये वो वाला पर्सन चाहता है जिसके साथ दोस्ती हो और वो पर्सन पार्टनर भी हो, ठीक है, उस पर्सन के साथ रिश्ता निभाना चाहता है, जो इस पर्सन का एक क्लोज फ्रेंड भी बने और जो इसका पार्टनर भी बने, ठीक है, जिससे ये सारी बातें दिल की कर सके, जिससे ये अपने सारे राज दे सके, जिससे खुलकर ये अपने दिल को, क्योंकि ये एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना इसने बंद कर दिए लोगों से, क्योंकि इसने डैमेजेस देखे हैं, इसने एक्सपीरियंस इसका इतना बैड रहा है, इसने बहुत सारा, जैसे कि बहुत ज़्यादा इसने बैक स्टेपिंग, चीटिंग, लाइंग और मतलब कि इस तरीके की चीज़ें इसने बहुत अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में इसने बहुत तरीके की नेगेटिविटी देखी है, ठीक है, इसको यूज़ किया गया है टाइम टाइम पर, इसको पॉइंट पॉइंट पर यूज़ किया गया, मनी वाइज हो सकता है, मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, इसने बहुत इन्वेस्ट ही किया है, तो इसको लगता है ओपन अप ही नहीं होना चाहिए, किसी को इतना इतना वनरेबल आप शो ही ना करो आप, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी में किसको ओपन अप ही नहीं करना है, इसको अपने आप को डिस्कस, किसी को फ़ायदा उठाने देना ही नहीं है, कोई फायदा जब उठाएगा ना, जब भी उठाने देगा, तो इसने अपने आप को ऐसे केज में बंद कर दिया है, अपने आप को मेंटली ब्लॉकेजेस में डाला हुआ है इसने, ठीक है, ये जब तक मुकम्मल तौर पे श्योर नहीं हो जाता या ट्रस्ट नहीं कर लेता, जब तक ये ओपन अप करने से घबराएगा, इन्वेस्ट करने से घबराएगा, कनेक्ट होने से घबराएगा, जब ये आपको समझ जाएगा तब यहाँ पर ये आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, एक मतलब के जैसे कोई लिमिट्स नहीं होगी यहाँ पर आप लोग के एक साथ रहने की, या आप लोग के, जैसे कि मैंने कहा ना यहाँ पे इसको फ्रेंड चाहिए अपने पार्टनर में, एक क्लोज फ्रेंड चाहिए, इसके शायद करीबी फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड बहुत कम है, एक या दो होगा अगर मेल है तो, फीमेल है तो शायद हो ही ना, ठीक है, क्लोज फ्रेंड चाहिए इसको, कोई क्लोज पर्सन जिससे अपने दिल की बात करे, जिसको अपने आप को डिस्कस करे, थोड़ा सा गार्डेड रहना, वाउंडेड रहना, बिला वजह लोगों से एक दूरी और डिस्टेंस बनाए रखना, ठीक है, तो ये वाला डर है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, ओके, आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, इस चीज को देख लेते हैं और फिर रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूरी करना जरूरी है जिससे आपके पर्सन को एक कंफर्ट मिले आपके साथ, जितना आप इसके साथ एक मतलब के कॉम्प्रोमाइज या थोड़ा सा कंफर्टेबल, इसको जितना आप इसके इसको एक कंफर्टेबल शो करेंगे उतना ये जल्दी अनफोल्ड होगा ये इंसान, ठीक है, उतना जल्दी ये अपनी फीलिंग्स या अपने जज्बात या अपने ख्यालात आपके सामने रखेगा। ओके, यहाँ पर मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, अगर आप ट्रैप एंड फेयर में हैं आप खुद ही किसी पास्ट कनेक्शन की वजह से, तो सॉलिट्यूड की एनर्जी में अगर आप हैं तो आप इस चीज़ से बाहर निकलें, ठीक है, कोई भी आपका बैड एक्सपीरियंस है तो उसको लेट गो करें, शेडो साइड, अगर यहाँ पर मतलब कि कोई ना कोई शेडो साइड है, कोई आप कोई चीज़ आपको ब्लॉक करिए, आप उसका रिफ्लेक्शन इस पर्सन पर मत देने दीजिएगा, ऐसा हो सकता है आपको एक मतलब कि आपको एक ऑब्सेशन हो जाती है उससे डिटैच हो, ये आपका शेडो साइड है, अपने आप को बैलेंस में लेकर आए, ठीक है, इससे ऑब्सेसिव रिश्ता नहीं निभाइएगा बनाइएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है, देख चुका है, इसको ऑब्सेसिव कनेक्शन, इसको शेडो, ये सब इसको ऐसा लगता है लोग जो है ना चीज़ी हो रहे, लोग जो है ना मतलब कि बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, मतलब कि शायद ऐसा हो सकता है इसके पास कुछ ऐसा हो जिसको लगता हो कि लोग इसकी
उस चीज के पीछे आ रहे हैं, पावर बैलेंस में रहें, खुद को बैलेंस करके रखें, अपना यिंग और यंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी ब्लॉकेजेस से पास, ब्लॉकेजेस से बाहर निकले, अपने इसके साथ एक सॉलिट्यूड एनर्जी में मत रहिएगा, इसके साथ कन्वर्जेशन करते रहना पड़ेगा आपको, टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसके साथ ओपन अप होना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपका है थर्ड आई चक्र, अपने थर्ड आई चक्र यहाँ पर आपको बताएगा ये पर्सन कौन है और ये पर्सन के साथ आपको कैसे डील करना है। यहाँ पर आपको जैसे कि गाइडेंस दी जाएगी सृष्टि को लेकर, यहाँ पर ये रिश्ता स्ट्रांग है, ठीक है, आपकी इसके साथ फाउंडेशन मैरिज और कमिटमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर थर्ड आई चक्र आपको ओपन है, लेकिन खुद को बैलेंस रखिएगा, ऑब्सेस मत करिएगा, इमोशनली डिपेंड मत होइएगा और सॉलिट्यूड में ज्यादा मत रहिएगा, अपनी शेडो साइड को, पास्ट एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये पर्सन उस चीज से डर जाएगा, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है मेंटली, ब्लॉकेजेस मेंटली, स्टकनेस मेंटली, एक पीस चाह रहा है ये, किसी 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 ट्रॉमा से निकल रहा है, किसी ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहा है, एक पीस चाहिए, हीलिंग चाहिए, इसका पर्पस हीलिंग है, इसका पर्पस ही एक हैप्पीनेस है। ये आपसे कुछ डिमांड नहीं करेगा, लेकिन चाहेगा कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, ये चाहेगा कि आप इसके दिल को समझ लें, ठीक है, दिल की बातें करें, दिल की बातें रखें, दिल की बातें खाली एक रोमांस वगैरह नहीं होता, दिल की बातें होती हैं अपनी बातें करना, क्या दिल में किसी के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है, वो अपनी दिल की बातें इवन कि अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग से भी नहीं कर पाते, कुछ होना चाहिए, कोई उनके उनका दिल एक एक अलग डगर पे होता है, अलग रास्ते पे होता है, अलग राहों पे होता है, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन मिले जिससे मैं अपने अपना अपना मन हल्का कर सकूं, मैं अपनी बातें बता सकूं, वो मेरी बातें कहीं करे भी ना, वो मैं उसके ऊपर यकीन, ट्रस्टेबल पर्सन हो, मैं अपने यकीन से बातें बताऊं तो वो मेरा मजाक ना उड़ाए, वो मेरी बातों को समझे, समझने वाला इंसान चाह रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सेंसिटिव है, ओवर थिंकर हो सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान है, ठीक है, जो आप, ये बात नहीं है कि आपको ही बोलेगा कि मुझे समझो, अगर ये खुद इतना डीप है तो आपको भी चाहेगा समझना, ठीक है, उसी डीपनेस से। तो ये डीप इंसानों की बात होती है, वो जरूर उस इंसान को वहां से समझते हैं जहां उसकी जड़ पे चोट होती है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रख रही हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।